थैंक यू अंकल वंस अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। और मैं आपके सामने आज जो शेयर करना चाहती हूँ वो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ जो पिछले दिनों प्रभु ने मुझसे बात किया और वो मैं आपके सामने आज शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आपके सामने एक्ट्स की बुक से पढ़ना चाहती हूँ। एक्ट्स दस उसका दस से एक एक से लेके मैं आपके सामने सेवन तक पढ़ती हूँ। और प्रेरितों का काम दस उसका एक से लेके सात तक। कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। वो शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वो स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया तो उसने दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। अब यहाँ पे जो दो लोग हैं जो कि प्रार्थना कर रहे हैं और दो लोगों के विषय में यहाँ पे लिखा है, एक कुर्नेलियुस है और एक पतरस। पतरस के बारे में यहाँ लिखा है, नाइन से मैं पढ़ रही हूँ। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और वो कुछ खाना चाहता था परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तब वो बेसुध हो गया। और हम यहाँ पे देखते हैं कि दो लोग हैं, एक तो कुर्नेलियुस अपने घर में प्रार्थना कर रहा है और यहाँ पे पतरस जो है वो यहाँ पे है। दो अलग अलग लोग हैं। और जब यहाँ पे लिखा है, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि वहां पे लिखा है कि वो भक्त था और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करता था। और प्रार्थना करना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। प्रार्थना, मैं सोचती हूँ कि जब मैं ये पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि परमेश्वर ने, आगे जब हम देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने कुछ प्लान बनाया था जो कि कुर्नेलियुस और पत्रस के द्वारा पूरा किया। और कब? जब उन दोनों ने प्रार्थना किया। कई बार जब परमेश्वर हमारे लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है कि हम अपने घराने समेत परमेश्वर से डरते हैं और हम खुश हैं और हम एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, इतना सफिशियंट नहीं है। परंतु उसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पे लिखा है कि वो दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और जो वो प्रार्थना करता था तो लिखा है कि उसकी दान और उसकी प्रार्थना दोनों परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए गए, क्योंकि वो स्वर्गदूत उससे आके कह रहा है कि जो तू दान देता है और जो तू प्रार्थना कर रहा है वो परमेश्वर के सामने वो स्मरण के लिए पहुंचे, यानी परमेश्वर ने उनको याद किया है। अभी ये नहीं यहाँ पे लिखा है कि उसने वो क्या प्रार्थना करता था, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वो प्रार्थना करता था और दान देता था। और यहाँ पे वो जब वो प्रेयर कर रहा था तो उसको एक विजन मिला हमारे जीवन में, क्योंकि जैसे हम वचन में लिखा है कि जो जहाँ दर्शन नहीं है वहां जीवन जो है वो निरंकुश है, मतलब एमलेस है। अगर दर्शन नहीं है तो हमारा लाइफ जो है एमलेस है। मैं स्पिरिचुअल लाइफ की बात कर रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने, हम लोग हमेशा सुनते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे और आपके जीवन से एक किसी सबके जीवन से एक ना एक एम है, सबके लाइफ के लिए परमेश्वर की एक आशा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ हमारी आशा परमेश्वर से है, परमेश्वर भी हमसे आशा लगाता है, उसका भी हमसे होप है, वो भी हमसे कुछ कुछ होप लगा के बैठा है कि हम उसके लिए काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो प्रार्थना कर रहा था कुर्नेलियुस और वो लगातार प्रार्थना कर रहा था तो एक एंजल आया और उसने बोला उसको कि देखो तुमने जो प्रार्थना किया है वो परमेश्वर ने याद किया है। और अब ऐसा है कि जो पत्रस यहाँ पे लिखा है कि जो याफा में एक मनुष्य भेज दो जो कि शमौन शमौन को जो पत्रस कहलाता है उसको बुलवा लो। क्यों बुलवा लो? वहां पे लिखा है कि आगे लिखा है कि जो कुछ जो कुर्नेलियुस है वो पत्रस से कहता है कि जो कुछ परमेश्वर ने तुमसे कहा है हम उसे सुनना चाहते हैं। यानी कि
वो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए परमेश्वर जो है वो चाहते थे कि वो उसको बुलवाए और परमेश्वर का वचन सुने। फिर हम देखते हैं कि आगे भी हम देखते हैं कि दूसरे दिन जब वे चलते चलते, यानी कि कुरनेलियुस ने जिसको भेजा पत्रस को लाने के लिए, जब वे सेकेंड डे वो चलते चलते किसी नगर में पहुंचे तो लिखा है कि दोपहर के निकट पत्रस जो है वो भी छत पे प्रार्थना करने गया। यहाँ पे दो लोग हैं, एक कुरनेलियुस अपने घर में प्रार्थना कर रहा था और यहाँ पे सेकेंड डे में पत्रस जो है वो प्रार्थना करने के लिए गया। और वहां कुरनेलियुस प्रेयर कर रहा था तो उसको एक विजन आया, और यहाँ पे पत्रस प्रेयर कर रहा तो उसको एक विजन है। और देखिए दोनों कितना कनेक्टेड है, मतलब कि यहाँ पे जो है वो उसी से कनेक्टेड जो है वो परमेश्वर उसको विजन दिखा रहा, क्योंकि बाइबल में हम जानते हैं कि कोई भी वर्ड और कोई भी जो बात है वो जो है बिना मीनिंग का नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और सब मीनिंगफुल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब पत्रस प्रार्थना कर रहा था, मैं पढ़ूंगी नहीं उसका विजन, आप सब जानते हैं कि वहां पे लिखा है कि वो देख रहा था कि एक चादर उतरता है, उसपे सारे सब प्रकार के जानवर है और परमेश्वर उससे कहता है कि उठ और मार और खा। तो पत्रस बहुत कंफ्यूज होता है कि ये मतलब क्या है, तीन बार वो ये दर्शन देखता है। और फिर परमेश्वर जो है उसको बताते हैं 19 वर्स में, कि मैं 19 पढ़ रही हूँ, एक्ट्स 10:19। पत्रस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख तीन मनुष्य तेरी खोज में है, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। अभी देखिए वहां पे कुरनेलियुस जो प्रेयर कर रहा है उसका आंसर उसको यहाँ पे मिल रहा है। हमें नहीं मालूम था कि वो क्या प्रार्थना कर रहा था, बट वी कैन सी द आंसर कि यहाँ पे प्रभु आत्मा, पवित्र आत्मा उसको कह रहा है कि उठकर नीचे जा पत्रस और निसंकोच उनके साथ हो ले, मतलब वो तुझे जहां ले जाना चाहते हैं उनके साथ जा, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पत्रस उतर कर उनसे कहता है कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूं और तुम्हारे आने का क्या कारण है। तो 22 वर्स में लिखा, उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला है और सारी यहूदी जाति में सुनाम है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से ये दर्शन पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। हालेलुया। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। और यहाँ परमेश्वर का वचन जो है ये बताना चाहता है कि हमारा जो प्रार्थना करना है, हमारा जो प्रेयर लाइफ है, हम सब प्रार्थना करते हैं और हम जानते हैं कि कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है और कभी बहुत छोटी छोटी बातें होती है हमारे लाइफ में जो कि आंसर के लिए, लेकिन उन सबसे परे जो हम हमारा जो जो हमारा पर्सनल बातें हैं उससे अलग कई बार कुछ चीजें होती है जो परमेश्वर के प्लान से जुड़ी होती है। परमेश्वर जो योजना बनाता है उससे रिलेटेड वो प्रार्थना करवाना चाहता है। और वहां पे लिखा है कि कुरनेलियुस प्रार्थना कर रहा था और उससे रिलेटेड पत्रस ने भी जब प्रार्थना किया तो उसको दर्शन मिला। मैं सोचती हूँ कि अगर वो दोनों प्रार्थना नहीं कर रहे होते तो शायद से ये बात जो है, क्योंकि वहां पे लिखा है कि वहीं से अन्य जातियों के बीच में काम होना शुरू हुआ, क्योंकि इससे पहले जो परमेश्वर के जो चेले थे वो जो है यहूदियों को वचन सुनाया करते थे, यहाँ पे जब मैं पढ़ रही थी। लेकिन उसके बाद लिखा है कि मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ एक्ट्स उसका 10 उसका 19 सॉरी उसका 24 वर्स 24। दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। अभी उसने उधर भेज दिया और उनको 24 वर्स में लिखा है कि उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और अपने फैमिली मेंबर्स को बुलाया होगा, रिलेटिव्स को बुलाया, इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था, रास्ता देख रहा था कि मैंने एक दर्शन पाया है और परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि प्रभु के दास को तू अपने घर में बुला ले, है ना, मतलब कि। और वहां पे फिर लिखा है कि उसने उनको अपने घर में बुलाया, अपने अपने रिलेटिव्स को और सबको, कि वो आके परमेश्वर का वचन सुने, है ना। तो मैं ये जब पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि शायद वो यही प्रार्थना कर रहा होगा कि मेरे रिलेटिव जो है वो उधार पाए या परमेश्वर का वचन सुने, है ना, क्योंकि वो बहुत जैसे उसको दर्शन मिला जैसे उसने अपने सेवकों को भेजा कि जाओ तुम पत्रस को बुला के लाओ, और इधर वो सबको इकट्ठा करके रखा था कि वो जैसे आएंगे, वो सिर्फ खुद नहीं ब्लेस होना चाहता था पर वो चाहता था कि जो उसके रिलेटिव हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो प्रभु का वचन सुने। आमीन। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब कुछ कितना अच्छे से अकॉर्डिंग टू प्लान जो है वो चल रहा है। और यहाँ पे 30 वर्स में जब पत्रस और कुरनेलियुस, मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, थोड़ा टाइम है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ। तो 30 वर्स में लिखा है, कुरनेलियुस ने कहा, यहाँ पे अभी ये दोनों मिल रहे हैं, पत्रस और कुरनेलियुस दोनों जो हैं वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे के घर में हैं। कुरनेलियुस के घर में पत्रस आ चुका है और वो बता रहे पत्रस को कि इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था
तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुर्नेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं, इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वो समुद्र के किनारे शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम यहाँ तेरे सामने हैं, परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है हम सुने। कितनी अद्भुत बात है ना, कि मतलब वो ये प्रार्थना कर रहा होगा, कि शायद से वो यही प्रार्थना कर रहा होगा कि परमेश्वर मुझे आपका वचन सुनना है, मेरे रिलेटिव आपको जान पाए, उनका उद्धार हो, जो कि हमारे लिए भी बहुत कॉमन प्रार्थना होती है जब हमारे रिलेटिव प्रभु को नहीं जानते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार जो सालों साल हम लोग वही प्रार्थना करते हैं, तो कई बार हमको लगता है कि आंसर नहीं हो रहा है उस चीज का, लेकिन लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि पूरे मेरे नानी जब प्रभु के बारे में जानते थे और फिर वो बैकस्लाइड हो गए, मुझे नहीं मालूम वो उन्होंने क्यों सुनना बंद कर दिया, उनको उनको बिल्कुल मना कर दिया उन्होंने। बट मार्च महीने में वो फिर से मुझे फोन करके कहने लगी कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, और मार्च से अभी तक मैं उनके लिए हर दूसरे दिन फोन करती हूँ, उनको एक एक पैसेज पढ़ के सुनाती हूँ, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, और वो बहुत खुश हैं। जब मैं पहले उनको फोन करती थी तब वो बहुत दुखी होके बोलती थी, सबको आज जो मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे वहां दर्द हो रहा है, और कई बार मुझे बहुत इरिटेशन होता था कि, और मैं उनको बोलती थी कि तो प्रभु को ग्रहण कर लीजिए ना, प्रभु आपका सारा दर्द दूर कर देंगे, पर वो सुनती नहीं थी। पर मैं उनके लिए लगातार प्रार्थना करती थी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि एक्ट 16:31 में, मैं विश्वास करती हूँ कि लिखा है कि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। और हमारी प्रार्थना जो है, जैसे कि मैं कुर्नेलियुस का प्रार्थना और उसका दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचा, मैं विश्वास करती हूँ जो प्रार्थनाएं हम करते हैं, जो मेहनत हम करते, वो परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए परमेश्वर उसको याद करता है और परमेश्वर उसके लिए प्लान कर रहा है कि वो कैसे आंसर करे। क्योंकि यहाँ पे कुर्नेलियुस जब प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने प्लान किया, परमेश्वर ने पहले पतरस को याफा में भेज दिया और फिर उसको दर्शन दिया एंजल के द्वारा, फिर उधर पतरस को दर्शन मिल रहा था कि मुझे अन्य जातियों के बीच में जाना है और तुम ऐसे 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 से करो, है ना। सिर्फ हम नहीं प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटेजी हम नहीं बनाते हैं, सिर्फ परमेश्वर भी बनाते हैं, और उनकी बहुत अद्भुत होती है, लेकिन पूरी तब होती है जब हम प्रार्थना करते हैं। आप चाहे छोटी बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या बड़ी बातों के लिए, मैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंचते होंगे, मैं विश्वास करती हूँ। और यहाँ पे लिखा है कि मैं आपके सामने एक वर्स पढ़ूंगी, 24 में लिखा है, सॉरी वर्स 44 में लिखा है कि पतरस ये बातें कही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया। पतरस वहां वचन सुना रहा है और वो लिखा है कि सब सुनने वालों पर, जो लोग उसके फ्रेंड्स होंगे कॉर्नेलियुस के, जो उसके रिलेटिव्स होंगे, उन सब के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। और लिखा है कि जो विश्वासी पतरस के साथ आए थे खतना किए हुए, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों के ऊपर पवित्र आत्मा का दान उंडेला जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, अद्भुत बात है, कि कुर्नेलियुस अगर प्रार्थना नहीं कर रहा होता शायद प्रभु किसी और को खड़ा करता, बट यहाँ पे उसका नाम लिया गया है, वो इसलिए क्योंकि वो लगातार प्रे विदाउट सीजिंग। बाइबल कहती है 1 थिस्सलुनियों, उसमें लिखा है 5:16-17 में, निरंतर प्रार्थना करते रहो विदाउट सीजिंग। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि कुर्नेलियुस की प्रार्थना और उसको कनेक्ट करती है, और वहां पे पतरस जो है वो आता है और वो वचन सुना रहा है कि सुनते सुनते पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतर आया। हालेलुया। और फिर लिखा है कि सब लोग चकित हो रहे थे, सब लोग हैरान हो रहे थे कि जो है वहां पे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, जो कि शायद से पहली बार प्रभु के बारे में सुन रहे होंगे, क्योंकि यहूदी लोग तो प्रभु को जानते थे पर अन्य जाति शायद नहीं जानते होंगे, या जो है उनने पहली बार सुना होगा, या उस गहराई से वो पतरस के द्वारा सुन रहे होंगे। आत्मा वहां पे उतर आया, पवित्र आत्मा का काम हुआ कब, जब कुर्नेलियुस ने प्रार्थना किया, पतरस ने प्रार्थना किया, और उनको एक एक विजन आया कि प्रभु बताना चाहता है कि मैं क्या चाहता हूँ। प्रभु बता रहा है कि कुर्नेलियुस को बताता है कि तुम पतरस को बुलवा लो अपने घर में, और पतरस से इधर कह रहा है कि तुम उसके घर में चले जाओ, देखो मैंने दो लोग भेजे, तुम नीचे जाओ और उनके साथ बिना किसी संकोच के, बिना किसी डाउट के तुम उनके घर जाओ, क्योंकि मैंने उनको भेजा है। और आज भी मैं सोचती हूँ कि ये बड़ी बातें जो हैं
हमारे जीवन में हो सकती हैं और होती हैं। मैं जब लखनऊ में थी और मैं कई बार ऐसी कई चीजें देखती थी जो कई बार हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और जब लोग प्रभु के बारे में सुनते थे। एक बार मैं छोटा सा एक टेस्टिमनी दूंगी। एक लड़का था और वो उस समय चर्च में मतलब कि वर्शिप हो रहा था और वो आया और वो खड़ा था पीछे, 10th स्टैंडर्ड में था, उसका नाम रामायण था और मैं पीछे खड़ी थी और वो आके बहुत मतलब मैं देख रही थी वो आया था। तो फिर मैं उसको बहुत देर तक देखा उसको, फिर मैंने उसको पूछा जाके बाद में कि आप क्या आप चर्च अटेंड करने आए हैं, मैंने ऐसे ही पूछा ऐसे जाके। तो बोलता है कि आराधना दीदी आपका नाम है क्या? तो मैंने कहा हाँ। तो शायद से मैंने कभी पर्चा दिया होगा, ट्रैक्स दिया होगा, ये पता नहीं मुझे कहाँ उसने मुझे सुना। तो बोलता है कि हाँ मैं आपसे प्रभु के बारे में सुनना चाहता हूँ। और जब मैं ट्रैक्स बांटती थी तो मैं जिन लोगों को कई बार मैं उनसे नाम पूछती थी कि आपका नाम क्या है, तो मैं ना उनके लिए प्रार्थना करती थी अपने फोन में लिखे रहती थी। और जब मैं कभी ऑटो में जाती थी या बस में ट्रैवल करती थी तो मैं ऐसे खोल के फिर मैं उनके लिए प्रार्थना करती थी कि इनको मैं आपके सल्वेशन से ब्लेस करती हूँ। और पता नहीं कहाँ से मुझे नहीं मालूम, मेरे पास सारे लोग नहीं आएंगे लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो जाएंगे प्रभु। मैं जानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा का काम होगा क्योंकि ये ही परमेश्वर की योजना है कि जो है हर एक घुटना परमेश्वर के सामने झुके, हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। और ये नाव से होता है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना अच्छा एग्जाम्पल जो है परमेश्वर का काम जो पूरा हुआ वो यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर लिखा है कि जो जो वहां पे लोग थे, यहाँ पे 44 में हम देखते हैं कि 46 में 45-46 में, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पत्रस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? अभी देखिए सिर्फ पवित्र आत्मा ही नहीं परंतु वहां पे बपतिस्मा भी हो गया। और लिखा है कि उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए और उन्होंने उससे विनती की कि वो कुछ दिन और उनके साथ रहे। ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर को आपकी जरूरत है कि हम लोग प्रार्थना करें। कई बार हम ये चीजें स्किप कर जाते हैं शायद से। कई बार जो है परमेश्वर आपको बोले कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि वो लगातार प्रार्थना करता था जबकि वो बहुत अच्छे पोस्ट पे था। यहाँ पे लिखा है कि वो जो है इटालियानी नामक पलटन का सूबेदार था, वो एक अच्छे पोस्ट पे था, उसके हाथ के नीचे लोग काम करते थे, वो बहुत बिजी होगा और उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी और फैमिली है। यहाँ पे लिखा है कि वो अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था, मतलब उसका घराना भी था, उसकी फैमिली थी और वो सब कुछ जो है वो बिजी भी हो सकता था लेकिन नहीं, वहां पे लिखा है कि वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो कई बार जो है परमेश्वर मुझसे और आपसे कई सारी योजनाएं उसने बनाई है कि हम उसका काम करें, हम क्योंकि हम उसके को वर्कर्स हैं। मैं बार बार जब भी बोलती हूँ तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वी आर द को वर्कर्स, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। ऑफिस में सिर्फ बॉस काम नहीं करता है पर उसके साथ में जितने लोग काम करते हैं वो उनके हेल्प से काम कर सकते हैं, वो सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं और सब अपना अपना पार्ट करते हैं तभी एक अच्छा से काम चलता है ना। हमारा जो परमेश्वर है वो हमारा स्वामी है, हमारा बॉस है और हम उसके कोवर्कर्स है, सहकर्मी हैं हम लोग, है ना। तो हमको हमारा जो पार्ट है हम कई बार इससे जान सकते हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर ने जो योजनाएं बनाई हैं कई बार उसमें बहुत लेट होता है क्योंकि शायद से हम लोग वो टाइम परमेश्वर को नहीं देते होंगे, नहीं हम बता पाते। लेकिन मैं पिछले दिनों जब ये पढ़ रही थी तब मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु वो बराबर आपसे प्रार्थना करता था और आपने आपने दो लोगों को कनेक्ट किया और एक बहुत बड़ा काम किया। तो यही मैं आपको बताना चाहती थी कि हमारा प्रार्थना का जीवन कितना इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट वर्स मैं आपके सामने पढ़ूंगी, अय्यूब उसका 22 का 27 और 28, जो कि बुक से यहाँ पे लिखा है 27 में, जो 22 का 27, तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा, जो बात तू ठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। हालेलुया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम प्रार्थना करेंगे तब। सो हमारा प्रार्थना का जीवन प्रभु के सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ ये कि मेरा जीवन अच्छा चले, मेरा मिनिस्ट्री अच्छा है, उस वो भी अच्छा है पर कई बार जो है परमेश्वर हमारे सोच से परे काम करता है और वो तब कर पाता है जब हम लोग प्रार्थना करते हैं।
सो कुर्नेलियुस के समान प्रभु हम पे अनुग्रह करे कि जैसे हम भी बराबर प्रार्थना कर सकें, और उसका जो मिनिस्ट्री है, जो प्रभु की जो प्लान है, प्रभु की जो योजनाएं हमारे लिए हैं कि हम उसके राज्य में काम कैसे करें, वो परमेश्वर पूरा कर सके। आमीन। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू सिस्टर आराधना। थैंक यू।